सब गाइस, माय नेम इज शाना एंड माय नेम इज शाना सॉरी मैंने क्या बोल दिया, कट 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 कट। सो गाइस, सब गाइस, माय नेम इज शाना एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी प्लेइंग स्काइरिम। जैसे कि आप देख सकते हैं यार, वीडियो यूनिक बन गई, इससे अगले एपिसोड में भी करेंगे, गुड आइडिया। ओके, सो गाइस, लास्ट एपिसोड में जैसे तुम लोग याद होगा, हम लोगों ने थालमोर एम्बेसी यानी कि एम्पायर को क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेट किया था, जो कि अब ऑब्वियसली हट गई है। हाँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली में स्टॉर्म ब्रेकर्स स्टॉर्म क्लोक्स को ज्वाइन कर लिया था, एंड उनके हिसाब से मैंने सारे के सारे जितने भी स्टॉर्म क्लोक्स के बेस वगैरह थे, नहीं सॉरी इंपीरियल्स के बेसिस वगैरह थे, वो सारे उड़ गए, इंक्लूडिंग सॉलिट्यूड। तो राइट नाउ सॉलिट्यूड इज राइट अंडर माई टोस, क्योंकि मैं इनका थेन बन गया हूँ, है ना, विंडहेल्म का, और मैंने सब कुछ दुनिया भर का सारा सामान कर दिया है, क्योंकि मैं विंडहेल्म का थेन बनने वाला, मतलब अभी बना नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली उसने मेरे को उपाधि दे दी कि अगर तू पांच चार लोगों की हेल्प कर दे, है ना, तो तू यहाँ का थेन बन सकता है। और ऑब्वियसली मैं इनका हाइएस्ट एंड द मोस्ट स्किल्ड प्लेयर हूँ, सॉरी खेल तो मैं रहा हूँ, ये थोड़ा खेल रहे हैं, मोस्ट स्किल्ड वॉरियर में आता हूँ obviously after Urfic, क्योंकि उसके पास एक ऐसा shout है जो कि technically बहुत ज़्यादा powerful है। मेरे को ऐसा लगता है कि उसके पास unrelated force ही है, but वो unrelated force से बहुत ज़्यादा powerful है, क्योंकि मेरे पास unrelated force के 3 words हैं, but I still don't have that, मतलब वो effect आता नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर तुम्हारे को पता नहीं है मैं किन दुनिया भर की चीज़ों की बात कर रहा हूँ, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पता नहीं, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है ये क्या है, बट ठीक है, ये क्या है, With the casters armor, okay, मेरे को कोई आइडिया नहीं what the hell is this, but whatever guys, so guys, हाँ मैं spells use करता नहीं हूँ, spells में जज़ार्गो को use करने आता हूँ। और अगर तुम्हारे को पता नहीं है जज़ार्गो कौन है, तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा बिल्ला, खजीद बिल्ले ही होते हैं, है ना, तो मैंने इसको ये आर्मर दे रखा है। इवन तो तुम इसके पास सॉर्ड देखोगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक मेज है, बट एक मिनट, जज़ार्गो ओनली हैज सो मच रूम टू कैरी थिंग्स, धन्यवाद सर ये बताने के लिए, बट है ना, तो मैंने इसको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा, पता नहीं क्यों दे रखा है, ये भी दे रखा है, पता नहीं क्यों दे रखा है, ये दे रखा है जो इसने पकड़ा हुआ है, 23 लॉक पिक्स दे रखे हैं अगर बहुत सारे डोरो पिक करने के लिए। मैंने इसको 11 आर्मर दे दिया जो कि मेरे को वहाँ से मिला था, क्योंकि मैंने सोचा कि यार क्या फेंकना जब मैं इसको दे सकता हूँ। इसको ये वाली बो दे दी है, ये वाला एक डैगर दे दिया, और ये वाला हेलमेट दे दिया है, ऑब्वियसली जो मैंने डॉरवन हेलमेट ऑफ कंजरिंग एक्चुअल में कर रखा था, मैंने वो इसको दे दिया है फॉर नो रीज़न एट ऑल, एक्चुअली ठीक है, लाइक नो रीज़न एट ऑल, इवन दो ये बंदा मेज है, मुझे पता मेरा आईक्यू ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं होता। क्या लिखा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ओके थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा, ओके कुछ समझ नहीं आ रहा, वेल वॉट एवर। सो गाइज, हम लोगों ने उनको लाइक इन्फिल्ट्रेट वगैरह किया था, वेल ऑब्वियसली अभी मैंने उसको स्ट्रॉन्ग क्लोज को ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा काम किया, उनकी क्वेश्चन लाइन खत्म कर दी, बट मैंने थीफ गिल्ड की स्टिल क्वेश्चन लाइन खत्म नहीं करी है, रीज़न बींग वेरी सिंपल, क्योंकि उसके अंदर भाई साहब मेरे को ड्वार्फ्स के उनसे और फिर को फेरकस वगैरह इन दुनिया भर की चीज़ों से डील करना पड़ रहा था, जो कि मेरे को सर दर्द दे रहे थे, कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी डंजन्स कॉन्कर कर ली थी एक दो दिन के लिए, तो अब मैं कल इनको कंटिन्यू करने वाला हूँ। वेल, जहाँ तक की बात आती है कि हम लोगों के पास, और हाँ एक और खुशखबरी, ये रहा मेरा पूरा आर्मर, पूरा इसका आर्मर है ना, मैंने बना लिया एट लास्ट, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअली में कि क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, मतलब मेरे को पता नहीं था कि यार हेलमेट क्या क्या देता है, मेरे को लगा था सारे आर्मर्स की तरह हेलमेट भी वही देता है, तो मैंने छोड़ दिया, बट फिर मेरे को पता चला बाद में, वेल कुछ नहीं होता, इट हैपेंस टू मी मोस्ट ऑफ द टाइम, पता नहीं क्यों, ओके वेल वॉट एवर, ठीक है। सो गाइस, हम लोगों के पास अभी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास ये आर्मर आ चुका है। और जहाँ तक कि सॉर्ड की बात आती है, मैंने सॉर्ड्स के वेपन चेंज कर दिए, मैं आई गॉट द चिल रेड विद अ 41 डैमेजिंग सॉर्ड, एक डॉन ब्रेकर जो कि मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मैं डंजन्स में जाता हूँ, और एक अपने आते हैं नाइटिंगेल ब्लेड। वेल ऑब्वियसली इनमें मेरा खर्च बहुत हो रहे हैं, लाइक वो क्या कहते हैं स्टोन्स इन्फिनिटी स्टोन, सॉरी यार अवेंजर्स नहीं है ये। तो हम लोगों को जाना है द टेंपल ऑफ सिनरेड, मैं क्या बोल रहा हूँ यार आजकल, सही में ऐसा लगा मैं सस्ते नशे कर लिए, जो कि मैंने नहीं किए, वॉट एवर। तो अभी हमारे को जाना है इस टेंपल के अंदर, जो कि यहाँ कहीं पे था सपोज, लाइक इधर ही कहीं पर। तो सबसे पहले इसको एक्टिवेट करते हैं, कहाँ गाइस, आई थिंक ये कुछ बच्चे इधर जो कि वन शॉट हो रहे हैं। वेल मुझे पता है मैं एक प्रॉपर वो नहीं हूँ, बट मैं कभी कभी आर्चर क्लास भी खेलता हूँ जब मुझे मज़ा आता है, समझ रहे हो, जब मुझे वो देखो वो अलग ही नशे में वो ड्रैगन, उसको देख रहे हो, ओ हेलो भाई गलत रास्ते पे आ गए सर, सर रॉन्ग एड्रेस,
अरे अभी रुक जा भाई, अबे हाँ ये लोग रहेंगे, मेरी हेल्प करेंगे ना, ये ना ये मेरी हेल्प करेगा। ओ हेलो हेलो, ओ भाई साहब मेरे सर पर खड़ा है कबाड़, है तो मेरे को फाइट करेगा, है हैं मेरे से करेगा है बे, इतना वो करेगा, छोड़ दे भाई मैंने गलत स्पेल यूज़ कर लिया था भाई। इस गेम की बकरियाँ अलग ही है, ज़रा नीचे देखो ज़रा, वो ज़रा तुम्हारे को नीचे उड़ती हुई भले ही कौन सी भाई, वो देखो उसको देखो नशेड़ी को। ओ हेलो बहन, हाँ तेरे से बात कर रहा हूँ, गोट नहीं नहीं वो वाला गोट नहीं, गोट बकरी उस नशेड़ी वो देख लो उसको। ओ हेलो भाई, तेरा ही जीव वो पीछे ही पड़ा है, कहाँ से निकल निकल के आ रहे हैं लोग, और तू तू भी भाई अलग ही है। तो देखो कुछ नहीं होता, अब मैं सीरियस फाइट करने वाला हूँ, जो तुमने प्रदर्शन देखा वो भूल जाओ, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ उसको बट स्टिल भूल जाओ अपनी। अबे यार वो स्टिल ड्रैगन तो है ही उधर। ओ हेलो भाई, हाँ तेरे से बात कर रहा हूँ मैं भाई, वो वहीं पे आएगा उसका पक्का है, मैं जैसी आऊँ वैसी उसको ये है कि भाई नहीं, उसको घात लगा कर बैठ जाना है। लॉल लॉल भाई लॉल, वो एंशिएंट ड्रैगन है भाई, ये एंशिएंट ड्रैगन पावरफुल होते हैं, हाँ मेरे को पता चला ये एंशिएंट ड्रैगन पावरफुल होते हैं, आई थिंक ये सेकंड टीयर होते हैं ना ब्लड ड्रैगन के बाद, ब्लड ड्रैगन के बाद आई थिंक ये सेकंड पावरफुल होते हैं, आई थिंक सो यस। तो ब्लड ड्रैगन भाई सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होते हैं जिनको मैं आराम से उड़ा देता हूँ, फिर आते हैं नॉर्मल फ्रॉस्ट और एलिमेंटल ड्रैगन्स आई सपोज, और फिर ये एंशिएंट ड्रैगन्स आते हैं, मुझे समझ आ गए ये इनका भाई उधर तो अलग ही। ओ हेलो भाई, जापान नहीं है ये, नागासाकी फेंकना बंद करो भाई अपना, मेरे को तो देख ही भी नहीं रहा इसे, आई थिंक यही वक्त है इसको मारने का, देख रहे हो मुझे पता है मैं बो के साथ इतना अच्छा नहीं हूँ। ओ भाई हेलो, कहाँ बैठेगा वो देखो, अबे लैग कर गया, वो ग्लिच कर गया, ड्रिफ्ट मारी भाई उसने, अबे कहाँ है ये, हेलो ब्रो 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 ब्रो, गलत जगह लैंडिंग कर ली तूने, उधर तक जाएगा नहीं, ट्राई करूँ, जा सकता है भाई मेरा, बैठ गया भाई वो वहीं पर ही भाई, किस खुशी में, क्या बोल रहा है वो, उसकी लैंडिंग दे रहा भाई, पूरी घास घिस गई उसकी। ओ डैम भाई लगा, गाइस आई थिंक आई मे किल हिम, आई मे भाई लिटरली लग रहा है उसको ये सारे शॉट भाई, कब लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट लग रहे हैं बट लग रहे हैं भाई, उसको एक और लगा, मर गया भाई, यहीं से लिया मैंने शॉट, वैसे मुझे लगता है उसकी सोल यहाँ तक आ पाएगी, मुझे भागना पड़ेगा ऊपर बट कुछ नहीं होता, देख रहे हो भाई कितना मस्त है भाई, मतलब मैंने उसको इतनी दूर से मारा, मतलब मैं उसको मार सकता था पास से बट मैंने नहीं मारा, पता नहीं क्यों, और मेरे को वैसे भी ड्रैगन बोन आर्मर नहीं बनाना क्योंकि मेरा वन ऑफ द बेस्ट आर्मर्स इन द गेम है, पर ऑब्वियसली मेरे को ड्रैगन बेन कटाना ज़रूर चाहिए होगी, जो कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कटान शॉट्स इन द गेम है आफ्टर कुछ और भी हैं, समझ लो भाई सोल चाहिए। एंड ऑल्सो गाइस मैंने बहुत सारे ड्रैगन्स को उड़ा के जिंदा गाड़ दिया है अभी फिलहाल, अगर किसी ने नोटिस नहीं किया हो जब मैं शॉट्स पे गया था, तो देखो सबसे पहले तो ये देखो 10 ड्रैगन सोल्स तो है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एबिलिटीज़ मैंने ऑलरेडी अनलॉक करके रखी हैं, सारी अनलॉकड हैं, मैंने 23 ड्रैगन्स को ऑलरेडी स्ले कर दिया है, इसका मतलब समझ रहे हो ऑलरेडी, हाँ वो कहाँ से आया, ओके मेरे को लगा मेरे दुश्मन है, मैंने ऑलरेडी 23 ड्रैगन सोल्स ड्रैगन्स को स्ले कर चुका हूँ मैं, वेल ऑब्वियसली रियल ड्रैगन बॉर्न से भाई एक सौ यहाँ पे एक पड़ी है, रियल ड्रैगन बॉर्न से तो बहुत ज़्यादा कम है, ये कहाँ से आ रहा है भाई भागते हुए, सर 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 आर यू लॉस्ट, आर यू श्योर दिस इज द राइट वे, अबे तू कहाँ से भागते हुए आ रहा है, ये बंदा वहाँ से भागते हुए, अगर तुम्हारे को याद हो बुढ़ा जो कि जेल में बंद था, तो इन लोगों ने बात करी, इन्होंने मेरे को स्काई फोर्ज, वो इधर ही फोर्ज भी है, मैंने फोर्ज का नाम स्काई टेम्पल है वो कुछ आई सपोज, कुछ वैसा सही है, तुम लोग देख भी पा रहे हो मेरे को, ओबे मी नहीं ओके छोड़ दो, कि भाई कैसे रह रहे हैं लोग, इनका इनका इनकी ज़िंदगी कितनी घटिया है, आधे को तो ड्रैगन नहीं मार दिया होगा आई थिंक भाई, ये जो 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 सामान मिला अच्छा उठा लो भाई, चलो अब जाके भाई वो ही है, वैसे हमारे को क्वेस्ट करनी चाहिए, आवारागर्दी नहीं करनी हमारे को, है ना, गेड़िया बाद में मार सकते हम, है ना अभी ये करने की ज़रूरत नहीं भाई, उसने सबको मार दिया इधर, मेरा काम बहुत आसान कर दिया उस ड्रैगन ने, और खुद भी मर गया बेचारा मैं बहुत ज़्यादा घटिया हूँ, जाना किधर है कोई ये बताएगा मेरे, ओ भाई ऊपर जाना था, चलो ये भी आ गई हैं दीदी, वाह अरे 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 सर 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 सर, अरे फ्रॉस्ट ऑस्ट्रोनॉट हमारी साइड में है भाई,
मैं बार बार भूल जाता हूँ, फ्रॉस्ट एस्ट्रोनॉट हमारी साइड पे, जो गवार है नहीं हमारी साइड में, मैं उसको मार रहा हूँ भाई, उसको नहीं मार रहा हूँ। अब ऊपर कैसे जाना है? घटिया लोग, नूब्स। मैं अपनी पावर तो दिखा नहीं पा रहा हूँ भाई। वैसे ऑब्वियसली मैं अपना स्पॉटलाइट दे रहा हूँ ना सबको, क्योंकि यू नो, क्योंकि वैसे मेरी शॉर्ट्स का डैमेज भी नहीं है, क्योंकि अब उनके अंदर चार्ज वगैरह नहीं है, तो उनका इतना डैमेज नहीं होगा जितना उनका तब हुआ था जब मैंने उनको पहली बार फाइंड किया था। बट इट्स ऑल गुड, ठीक है, ऑल गुड, ठीक है, ठीक है, ओके। भाई इधर अलग ही धमाके हो रहे हैं। ओ भाई साहब, वो बंदा पहले ही मर गया भाई। जजार को तू वहीं पर है, मैं हूँ तेरे लिए, ठीक है। बस इधर आ जा, आ जा इधर, आ जा इधर, आ जा इधर, आ जा। वेरी गुड, वेरी गुड। अबे मर जा भाई, तू इसी के काबिल है। अरे आ जा, आ जा, आ जा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जा, यू कैन लिव। अबे मरेगा तू गवार, तू मरेगा, जिंदा हो जा भाई। पीछे कुछ गलत ही धमाके हुए हैं जिसके अंदर सब लोग मर चुके हैं सपोज। आ जा, वेरी गुड भाई। मैं तो अपनी एबिलिटी यूज कर ली, मैं जा रहा हूँ, ये मरेगा, मैं जा रहा हूँ। तो सारा गलत काम मुझे करना था, बाकी सारा ये लोग उधर खड़े होके देखेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, अद्भुत भाई। ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए हमारे को, और ऐसी मित्र अच्छे बिल्कुल। वैसे वो यार इससे ज़्यादा बेटर तो वही मित्र था जो कि मेरे से 2 सेकंड पहले मिला था, जिसको मैंने बरांडी पिला दी थी, बस उसी में उस बंदे का काम हो गया। उसके बाद उसको लगने लग गया कि हाँ भाई देखो सही है, ये बंदा सही है, ही इज़ वेरी सेफ, काइंड, अच्छा बंदा है, मतलब वेरी गुड। और अब मैं डॉन ब्रेकर को यूज़ कर रहा हूँ फॉर नो रीज़न एट ऑल। सो गाइस आई थिंक हमारे को अपना ब्लड डोनेट करना पड़ेगा इस ब्लड सील को, क्योंकि हम ही राइट ब्लड है, है ना, यानी कि ड्रैगन बॉर्न। वाह, खून गिरा भी नहीं तब भी हो गया कि हाँ ठीक है। अब मैं नीचे गिरूंगा क्या इससे, या फिर ये दरवाज़ा खुलेगा या इसका मुँह खुलेगा? ओके, मुँह पीछे जाएगा, मैं क्यों इस तरह सोचता हूँ, वो भी अलग सा। चलो कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लग रहा है इसको 2 एपिसोड में बांटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसका इंट्रो इतना बड़ा बना दिया भाई, मैं बता नहीं सकता। भाई मिल गया वो वाली सील जो मैं कभी कभी थंबनेल्स में यूज़ करता हूँ। वो वाली सील मिल गई मेरे को, मतलब मेरे को पता नहीं था ये सील एक्चुअल में गेम में एग्जिस्ट करती है, बट आई थिंक ये लो वो वाली सील। अब जाना किधर है वैसे, कोई बताएगा? हेलो, देखो मेरे को नहीं पता कि आल्डुइन कौन है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये बंदा लास्ट ड्रैगन बॉर्न होने वाला है, आई थिंक सो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लाइक जो एल्डर स्क्रोल्स ऑनलाइन है उसके अंदर भी हम एक ड्रैगन बॉर्न है, आई थिंक सो। तभी बोल रहे यू आर समथिंग पिक्यूलियर, या फिर यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वो ऐसे ही बोलता है, बट कुछ नहीं होता। सो गाइस ये लोग बता रहे हैं लास्ट वॉर के अंदर लाइक आल्डुइन हार गया था। एल्डर बता रहे हैं लेजेंडरी ड्रैगन ओवरलॉर्ड, जो कि एक्चुअल में रेवल, जो ह्यूमन है वो रेवल कर रहे हैं ड्रैगन ओवरलॉर्ड की तरफ, और इधर बीच में जो बंदा है ये एक्चुअल वो कर रहा है। वैसे अब करना क्या, देखो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बट हाँ, थैंक यू, फॉरगेट इट। एक मिनट, तो आल्डुइन ड्रैगन है कोई? राइट, मुझे लग रहा था वो कोई ड्रैगन बॉर्न है, बट आई थिंक आल्डुइन ड्रैगन है और वो कोई और कुछ और है। तो फिर ड्रैगन बॉर्न कौन है इनका? ब्लेड्स का? भाई तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों करते हो, बता क्यों नहीं देते? ठीक ठीक, वो देखो वो अपने मसाज करवा रहे अपने आप से ही। अरे भाई थोड़े आराम से, इसकी पोशाक भी अच्छी है बड़ी, मैंने दी है इसको दान पर। अनाउंस हो गया मेरे को एक अनब्रेकेबल क्या कहते हैं लॉकपिक मिल चुका है फ्रॉम द लाइक क्या कहते हैं थीव्स गिल्ड क्वेस्ट, जो कि एक बहुत पावरफुल है, बट ऑब्वियसली मेरे को उसको लाइक आने वाली क्वेस्ट के अंदर देना पड़ेगा। बट जितना मेरे को लग रहा है मेरे को उसको बिट्रे करना पड़ेगा लाइक अपनी गॉडेस को, क्योंकि देखो मैं ना बार बार लॉकपिक्स ब्रेक, लॉकपिक ये, लॉकपिक वो, और फिर तरसने नहीं वाला कि मेरे को भी दान में लॉकपिक दे दो, है ना। और वो ना हो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं लाइक उसी को यूज़ कर लूँगा, और अगर मेरे को चाहे अपनी गॉडेस को बिट्रे करना पड़े, जो कि ऑब्वियसली मैं उसको सर्व नहीं करना चाहता, मैं आई रादर से लाइक क्या कहते हैं मरीडिया को मैं करूंगा लाइक करना चाहूँ तो मैं, बट मैं अभी किसी को नहीं करना चाह रहा। बट ऑब्वियसली अभी मेरे को ग्रेवियर से बात करनी है, और वो बोलती है कि जो ग्रेवियर, सो गाइस इसने मेरे को ये बताया कि जो ग्रेबियर्ड से उनकी ड्रैगन बॉर्न से फटती, और उनकी पावर से, वो पावर से इतना उनकी इतनी फटती कि वो खुद की पावर्स को भी यूज़ नहीं करते, और अगर क्योंकि अगर वो करने पे आते अपनी पावर्स को, रियल पावर को, शाउट वगैरह को ड्रैगन बॉर्न की, तो वो लिटरली पूरी पूरी सिविल वॉर को ख़त्म कर देते, बट वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी फटती है, अगर तुम्हारे को समझ आ गया। अब मैं इस गवार से बात करता हूँ। सो गाइस ये बोल रहे हैं कि उस वर्ल्ड ऑफ पावर का नाम है ड्रैगन रेंट, जो कि एक्चुअल में आल्डुइन को डिफीट कर सकता है, बट उस प्रॉब्लम यहाँ पे ये बीच में जो नेटवर्क लैग हुआ है वो ये है कि एक्चुअली में इनको नहीं आती है, बट नॉट ड्रैगन रेंट,
ओके इनको सब आते हैं बस ड्रैगन रेड नहीं आता. ओके मुझे लगा कुछ नहीं आता, बस वही दो आते हैं, एक वो वाइल्ड विंड और एक वो अनरिलेंटिंग फोर्स. बट इनको कुछ ना कुछ तो आते ही, कुछ सिखाई दो यार मेरे को जो मेरे को नहीं आता. फिर तो ये बोल रहा है कि वो जो गवार है इनको नहीं पता है, बट इनका लीडर आई थिंक उसको कुछ पता है. बट वो अपने को दरवाजों के अंदर बंद करके रखता है क्योंकि उसकी इनसे भी ज्यादा फटी हुई है, है ना. और वो इन लोगों से कभी कभी बात करता है एंड आउटसाइडर से तो कभी नहीं. तो एक तरीके से मेरे लिए प्रिविलेज हो गया अगर मैंने उससे बात कर ली. और मेरे को लग रहा है उस बंदे को घंटा क्या पता होगा. मुझे सही में अच्छा लग रहा है, उसको क्या पता होगा. अगर इनको नहीं पता तो इनको उसको क्या पता होगा. कहाँ है भाई क्वेस्ट, कहाँ है मेरी. वैसे आई थिंक ये मेरे को कोई नया शब्द सिखा रहा है. ओके वर्ड ऑफ पावर स्काई स्किल क्लाय. ओ अच्छा ये वो वाला मैजिक है. मैं इससे एक्चुअल में क्लियर स्काई कर सकता हूँ, स्काई को क्लियर कर सकता हूँ, जिसके मतलब मैं वेदर चेंज कर सकता हूँ. पर्टिकुलरली आई एम लाइक मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ वेदर को, जिससे कि मैं अपने हिसाब से वेदर को कर लूँ. प्रिटी सिंपल एज इट इज. ठीक है और कुछ है, और कुछ सिखाना भाई तेरे को. चलिए भी सिखा दे समर क्लियर समर. तो एक तरीके से मैं अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग चीजें चेंज कर सकता हूँ. ओके दैट इज डैम. इसे होगा क्या वैसे. क्या ही यूज कर लूंगा मैं इसका. है भाई बताओ मैं क्या ही यूज कर लूंगा इससे. इसका यूज करके मैं क्या ही कर लूंगा. ड्रैगन को उड़ा दूंगा, वापिस ऊपर फेंक दूंगा स्काई में. कुछ होगा इससे, ड्रैगन नीचे गिरेगा, मैं भगवान बन जाऊंगा. नहीं होगा ना ऐसा कुछ. तो ऐसा क्या दे दिया इसने मेरे को. बस मैं इससे वेदर चेंज कर सकता हूँ, ये एक अच्छी बात है और कुछ नहीं. तो गाइस आई थिंक ये गवार चाहता है बहुत ज़्यादा बैडली कि मैं इससे ना मिलूं, है ना. और इस बार मेरे को कुछ एनिमीज छोड़ रखे, फॉर एग्जांपल फ्रॉस्ट ट्रोल छोटे छोटे, जिनसे मेरे को पहले पहले डर लगता था शुरू शुरू में कि भाई लोग मार देंगे बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे. बट मेरे को पता चला कि नहीं पावरफुल नहीं है इतना. वेल आई थिंक जितना मेरे को लग रहा है कि ये जो गोट्स है मेरे को लाइक ले जा रही है मेरे डेस्टिनेशन तक, जिसका रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है. क्यों ले जा रही ये भी नहीं पता. और यहाँ पर इतनी ऊपर करके आ रही है मुझे ये भी बता दो फिर, अगर ये बता रहे हो. ओ हेलो बहन, बेटा बाय, जहाँ जाइए वापस वहीं पे चला जा, तो मैं जिंदा काट दूंगा. ओके एक्चुअली आत्मा है. चलो अच्छी बात है, जजार को मेरे साथ है फिलहाल. भले वो कुछ कर नहीं रहा है बट ठीक है, अच्छा बंदा है, प्यारा क्यूट इंसान बिल्ला. मैंने उसको पेट मान लिया अपना. ये चांद है या मंगल है भाई, मेरे को ये भी बता दो भाई. बस स्काई कुछ भी कह लो, ब्यूटीफुल है यहाँ का भाई. बस मैं गिरना नहीं है यहाँ से, है ना. बट अच्छी जगह है, सुंदर थी नहीं. बट इतना तो पास क्यों इनका चांद भाई. और मंगल जैसा लग रहा है फिलहाल ये, मुझे लग ही रहा था बस एक ना एक तो इसको मिलना ही था, एक ना एक ड्रैगन तो मिलेगा भाई मेरे को. ये क्या ना, हेलो भाई. Dremyolok, greetings, Wundenik. I am Parthenax. मेरे को किसी ने नहीं बताया बंदा ड्रैगन है. Who are you? What brings you to my struma? मुझे सीधे से कोई आइडिया नहीं था ये गवार एक ड्रैगन है. मतलब किसी इंसान की बात कर रहे हैं. हाँ वही. I am as my father Akatosh made me, as are you, Dovahkiin. Dovahkiin मेरा नाम है. मेरा नाम तो आकुमा नहीं है. Why do you come here, Volan? Why? अरे है पर्यावाची है क्या मेरा नाम है. Meditation. देख मैं तो बस ऊपर आ रहा था. Drem, patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of two of the Dove. By long tradition, the elder speaks first. The ball. Hear my thum. Feel it in your bones. Please, मत करो ये सब. If you are. ऐसा मत करो भाई. If you are Dovahkiin, मुझे ऐसे लग रहा है उड़ा के फेंक देगा मेरे को. Okay, नहीं, sorry. I have spoken. The Rotmulag waits. What? Who? कौन? कैसे? Not until introductions are complete. Okay. A gift. ये तो मेरे पास already नहीं था Inferno. Oh, अच्छा इसने मेरे को मेरा second level दे दिया ना Fire Breath का. जो कि मेरे को लग रहा, जो कि इसको I think लग रहा होगा कि मेरे को आता नहीं है, but इसने मेरे को second level दे दिया. या फिर बंदा सोच रहा था मेरे को सेकंड लेवल देने का, नहीं फर्स्ट लेवल देने का सोच रहा होगा, बट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेकंड लेवल पड़ा हुआ है तो इस बंदे ने मेरे को सेकंड लेवल दिया.
अगर तुम्हारे को पता नहीं है इस गेम का लॉजिक, तो इस गेम के अंदर तुम्हारे को थ्री वर्ड्स मिलते हैं, तो स्ट्रेंथन योर थूम विच इज योर शाउट, ठीक है, और क्योंकि और जैसे जैसे तुम अपने जैसे जैसे तुम वर्ड्स पाते हो वैसे वैसे स्ट्रांग होते जाते हैं तुम्हारे वर्ड्स, है ना। और ऑब्वियसली एक वर्ड अगर तुम्हारे को बार बार मिलता है, या तुम्हारे को एक वर्ड तीन बार ही मिल सकता है, और एक वर्ड तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ तीन बार मिल सकता है जो कि जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अगर तुम्हारे को एक वर्ड एक बार से ज़्यादा मिलता है, तुम आप उस वर्ड को अपग्रेड कर देते हो टू सेकंड लेवल, जैसे मेरे को इन्फर्नो मिल गया है, विच इज एक्चुअली बेटर। डोव कौन है? ड्रैगन? डोव तो नहीं है, डोवरन तो कुछ नहीं होता, ड्रैगन होता है, डैक बोलना नहीं, डैक तो फिर वो हो जाएगा ना असैसिन्स क्रीड वाला गवार। तो ऐसे घूर क्यों रहा है भाई मेरे को? आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल यार। ग्रीट मी, तूने बड़ा अच्छा ग्रीटिंग दी भाई, आ जा बाय। मैं इसको मार सकता हूँ बट मेरे को मारना नहीं है, मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा है बंदा बस। यस सोसेडो व्रोस्टमूल What? The dragon blood runs strong in you. Sir, in अंग्रेजी if you can please. मेरे को और कोई स्पेनिश स्पूनिश नहीं आती, थोड़ी बहुत फ्रेंच में अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, हिंदी हाँ बस यही अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, संस्कृत मेरे को आती नहीं है क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं करी। No easy task for a jaw, mortal. हाँ देखो, देखो अगर तू बोल रहा है किसी और भाषा में तो उसकी ट्रांसलेशन दे, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, जैसे Assassin's Creed वाले Assassin's Creed वाले करते हैं। I have expected you, Proda. Proda? सर मैंने अंग्रेजी बोली ना, उसके साथ मीनिंग किया अगर कुछ और बोल रहे हो। With an old Dova. No, you seek your weapon against Alduin. You would not come all the way for Alduin Comet Teed. Okay, he's coming. देखो मेरे को आ रही है समझ, दोरी दोरी। Alduin and Dovahkiin return together. मतलब Dovahkiin मैं हूँ। Return together? तो कल Alduin खो गया था क्या? मेरे को सीरियसली ऐसा लग रहा है कोई मुगल एम्पायर नहीं एम्परर का नाम है इस टाइम पर, वो नहीं होते मेरे को पता है, एक अजीब सा लग रहा है मेरे को इसका नाम। इसको भी डाल दो भाई इसकी किताब में औरों के साथ। Our Hadrime, our minds cannot even comprehend. Well, किसी ने एक बार उसको यूज किया था बट ऑब्वियसली वो मर गया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है दिस इज अ शाउट विद लाइक सम नेगेटिव पॉइंट्स, है ना, कोई ऐसा शाउट जो कि नेगेटिव है बट उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। और पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि वो एक्चुअल में Alduin को रोक देता है, और नेगेटिव इफेक्ट ये है आई थिंक वो तुम्हारी हेल्थ को इंजर करता है, कुछ ऐसा केस आई थिंक। तो गाइस मैं एक्चुअली में अभी इससे बात कर रहा हूँ, और मैं जो ये बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी तो लाइक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हारे को ये वीडियो अगर तुम्हारे को मेरा चैनल अच्छा लगा जो कि मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ हर दिन में, और ऑब्वियसली कल मैं दो शॉर्ट्स और दो वीडियो आई थिंक पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है आई थिंक सो पोस्ट कर सकता हूँ बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर बट व्हाटएवर। तो मैं आपसे मिल रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। अगर इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, एक्चुअली में हमने Alduin की वॉर को डिस्कवर कर लिया, कुछ गवार लोगों से बातें कर लिया, और अब एक ड्रैगन से बात कर रहा हूँ क्योंकि एक ऑलरेडी मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रिविलेज है ना। तो मैं आपसे मिल रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।